Good morning, students. As you know, your second chapter of history is going on, which name is the earliest people. इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आदमी का ह्यूमन का विकास कैसे हुआ. स्टोन एज के बारे में बताया था. स्टोन एज जो है उसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है ना, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और एज और नियोलिथिक एज है ना, जिसमें मैंने आपको पैलियोलिथिक एज के बारे में बहुत सारे चीज़ पढ़ा दिए थे. अब हम पैलियोलिथिक एज में आप लोग को पढ़ाने वाले थे पैलियोलिथिक टूल है ना. पैलियोलिथिक एज में किस तरह के टूल, किस तरह के औजार यूज होते थे, उसके बारे में आप हम जानेंगे. स्टोन वाज अ वाइडली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन्स बाय द हंटर गैदर्स. कहता है कि उस जमाने में जो शिकार करने वाले आदमी होते थे उन लोगों के लिए स्टोन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता था. दे ऑल्सो यूज वुड, बोन्स, एनिमल हॉर्न्स टू मेकिंग टूल. वो लोग तो पत्थर का टू ये जो है सो स्टोन का जो है औजार बनाते ही थे, उसके अलावा लकड़ी का, हड्डी का, जानवर के सिंग का, इन सब चीज़ों का भी औजार बनाते थे. दीज टूल्स वेयर यूज फॉर कटिंग मीट फ्रॉम बोन्स. इस टूल्स का, इस औजार का वो लोग क्या इस्तेमाल करते थे, कटिंग मीट फ्रॉम बोन्स, हड्डी से मांस को काटने में इसका इस्तेमाल करते थे. स्क्रेप बार्क है ना, पेड़ का जो बार्क होता है, छाल जो होता है उसको छीलने में का काम करते हैं, उसको छीलने का काम करते. तो ये जो है वो लोग जो टूल का इस्तेमाल मीट को हड्डी से काटने में है ना, बार को छीलने में, और जो है ना फ्रॉम ट्रीज एंड हार्ट फ्रॉम एनिमल, और जानवर से छुपकर रहने में भी ये सब जो टूल्स का इस्तेमाल करता था. एंड फॉर चॉपिंग फ्रूट्स एंड रूट्स, और जो फल होते हैं या रूट्स होते हैं उन लोग को जो है सो काटने में, तराशने में किया जाता है. इनियसली द टूल्स वेयर वेरी क्रूड एंड वेयर मेड ऑफ फ्लिंट. वो जो टूल होते थे बहुत क्रूड होते थे, बहुत कड़ा होता था, बहुत ही हार्ड होता था है ना. और फ्लिंट मतलब होता है छोटा हो लेकिन बहुत मजबूत हो, इस तरह के औजार को हम लोग फ्लिंट कहते थे. तो उस टाइप का जो है टूल्स होता था. अ स्टोन डैट चिप्स इजली है ना, और ऐसा स्टोन होता था जो बहुत आसानी से क्या हो जाता था, फोड़ा जा सकता था, उसको फोड़ के काट के जो है सो टूल्स बनाया जाता था. सच टूल्स हैव बीन फाउंड नियर द रिवर बेड पंजाब एंड कश्मीर वैली इन इंडिया. इस तरह के जो टूल होते थे वह कहाँ पाए जाते थे, पंजाब और कश्मीर के घाटी में, रिवर के किनारे पाए जाते थे. ठीक है. स्टोन टूल्स वेयर टू काइंड्स. अब वो जो है पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स यूज होते थे, जो स्टोन टूल्स यूज होते थे वह कितने तरह के होते थे, दो तरह के, कोर टूल, कोर टूल एंड द फ्लेक टूल्स, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स. चलिए कोर टूल्स के बारे में जानते हैं. कोर टूल्स वेयर, कोर टूल्स वेयर मेड बाय चीपिंग ऑफ पीसेज फ्रॉम चंक्स ऑफ रॉक और पेबर्स. कहता है कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो पत्थर या रोरा उसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं, पत्थर और रोरा का जो टुकड़ा होता था तो उस टुकड़ा को फोड़ फोड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते थे है ना. एंड दे पीबल फॉर रॉक फ्रॉम विच द टूल वास्तु मेड वॉज हेल्ड इन वन हैंड. अब जिस टूल को, जिस पत्थर से आपको टूल बनाना है उसको हम लोग क्या करते थे, एक हाथ में ऐसे करके टूल्स पकड़ लेते थे है ना. एंड वॉज टू द अनदर हैंड, अनदर स्टोन पीसेज ऑफ वुड बोन बी वॉज टू हैमर वॉज द हेल्ड इन द अदर हैंड. द सेकेंड स्टोन वॉज यूज टू स्ट्राइक ऑफ टेक्स फ्रॉम द फर्स्ट, ऑल द रिक्वायर्ड शेप वॉज ऑब्टेन. कहता है कि एक हाथ में हम लोग उस पत्थर को, स्टोन को पकड़ लेते थे और दूसरे हाथ में हम कोई बड़ा पत्थर या हथौड़ा लेकर और उसको ऐसे ऐसे तराशते थे, ऐसे ऐसे क्या करते थे, तराश कर, और जिस तरह का हम लोग को स्टोन जो है सो टूल बनाना था तब तक हम लोग तराशते रहते थे या काटते छाँटते रहते थे ऐसे ऐसे करके, कि जब तक वह टूल्स आपका उस तरह नहीं बन जाए जिस तरह आप चाहते थे है ना. जैसे देखो आप लोग देख सकते हो किस तरह नुकीला नुकीला सब बनाया जाता है, तो इस तरह के टूल को कोर टूल्स कहा जाता था, समझे है ना. द स्टार लेफ्ट वाज आफ्टर चिपिंग वाज कॉल्ड कोर. और इसके बाद जब तराशने के बाद जब जो टूल हाथ में बच जाता था उसे हम लोग कहते थे कोर. कोर टूल वेयर यूजली ओवल और पी शेप्ड. और कोर टूल आप लोग देख रहे हैं फिगर में, इसका जो शेप होता था कैसा होता था, ओवल, अंडाकार होता था, या पियर शेप, नाशपाती की तरह का आकार होता था. नाशपाती आप लोग देखते होंगे ये जो है
नीचे में क्या रहेगा, ज़्यादा चौड़ा और ऊपर जाते जाते नुकीला हो जाता है, तो इस तरह का शेप रहता था। ठीक है, दे वेयर प्रोबेबली यूज फॉर कटिंग ट्रीज, डेगिंग टू ऑल रूट स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ। और इस तरह के टूल का इस्तेमाल वो लोग क्या करते थे, पेड़ को काटने में करते थे, है ना, डिगिंग आउट रूट, है ना, रूट को, जो पेड़ के रूट होते हैं, जड़े होते हैं, उनको खोद कर बाहर निकालने में किया जाता था। ट्यूबर्स फ्रॉम द अर्थ, के अर्थ में जो कंद कंद एक होता है फल खाने वाला, वो सब जो चीज़ होता है, उस सब को खोद कर निकालने में किया जाता था। तो ये था कोर टूल्स। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं फ्लेक टूल का। फ्लेक टूल्स वेयर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेज जो फ्लेक थ्रोन ऑफ द वाइल्ड मेकिंग कोर। जब हम लोग कोर टूल्स बनाते थे तो तराशने के बाद, उसको काटने छाटने के बाद जो स्टोन वगैरह, जो पत्थर वगैरह बच जाता था छोटा छोटा, उनसे ही फ्लेक टूल्स बनाया जाता था। ठीक है, अ फ्लेक ऑफ स्टोन डैट वॉज टू बी सेफ्ट एज द टूल वॉज प्लेस्ड ऑन द हार्ड सर्फेस। उस तरह के फ्लेक टूल्स को हम लोग क्या करते थे, उसको एक हार्ड सर्फेस पे, एक मजबूत जगह पे रख देते थे। ठीक है ना, और रखने के बाद क्या करते थे, पॉइंटेड पीस ऑफ स्टोन और वुड वॉज प्लेस्ड ऑन इट एंड द चीसेल। और आप लोग जानते होंगे जो है सब, एक मजबूत जगह पे उस स्टोन को रख दिए, और एक छेनी होता है ना, छेनी बोलो या नुकीला कोई जो है सो पत्थर का या लोहा का अलग टूल्स होता था, उसको ऐसे रख कर, और उसको ऐसे रख के, और फिर उस पर हथौड़ा से हम लोग देखो ऐसे ऐसे मारते थे, जिससे जो है सो वह नया शेप बन जाता था। तो फ्लेक टूल्स इस तरह बनाया जाता था। देन अनदर पीसेज ऑफ स्टोन वाज यूज्ड एज हैमर। और दूसरा जो है ये पत्थर का जो दूसरा टुकड़ा, उसको हम लोग हथौड़ी की तरह इस्तेमाल करते थे, और फिर जिस शेप में हम लोग चाहते थे उस पत्थर को बना देते थे। फ्लेक टूल्स वेयर यूज फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग एनिमल। फ्लेक टूल्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, मीट को काटने छाटने में किया जाता था, या स्किनिंग एनिमल को जो है सो इनके लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये था आपको, मैंने आपको पढ़ाया अभी टूल्स के बारे में, जो पेलियोलिथिक एज में, पेलियोलिथिक जो एज होते थे उसमें दो तरह के टूल्स यूज होते थे, कोर टूल्स एंड फ्लेक टूल्स। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ फायर। फायर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज में फायर का जो खोज हुआ तो बहुत ही ग्रेटेस्ट और इम्पोर्टेंट डिस्कवरी माना गया। ट्रेसेज ऑफ एज हैज बीन फाउंड एट सम पैलियोलिथिक साइट व्हिच लीड अस टू कंक्लूजन दैट ह्यूमन बीइंग्स लर्नड हाउ टू मेक द फायर ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक। जब कुछ आदमी लोग जब घूमते फिरते जब गया तो उन्होंने यह ट्रेस किया, उन्होंने यह खोज किया, उन्होंने यह पाया कि यह जो एस एस मतलब राख, कुछ राख को उन लोगों ने देखा, तो जब राख देखा तो उन लोगों को ये पता चला कि ज़रूर जो है यहाँ पे आग का इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह उन्होंने आग का खोज करने में रुचि लेने लगा और उसका खोज करने लगा। अब वह कोई स्पेशल खोज नहीं किया, फायर वॉज प्रोबेबली एन एक्सीडेंशियल डिस्कवरी। फायर का जो डिस्कवरी है वह एक्सीडेंशियल है, कोई घटना हुआ, जिससे जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि जब एक पत्थर से दो पत्थर को टकराया या जब रगड़ता था तो उसके चिंगारी निकलता था, उन्होंने तब जो है उन लोगों ने, अर्ली ह्यूमन ने ये पता किया कि हाँ हम लोग ऐसे जो है सो आग का खोज कर सकते हैं। तो यह एक्सीडेंशियल डिस्कवरी है। ठीक है, व्हाइल रबिंग टू पीसेज ऑफ स्टोन और वुड टुगेदर स्पार्क्स मस्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि दो टुकड़ा को जब रगड़ा तो उससे जो है आग निकला। द अर्ली ह्यूमन माइट हैव रियलाइज्ड दैट दिस स्पार्क्स क्रिएटेड फायर व्हिच कुड बी यूज्ड टू स्कार वाइल्ड एनिमल। अब इससे क्या हुआ, जब आग का उन्होंने खोज कर लिया तो इससे उनको क्या फायदा हुआ, वह जो है सो आग के जरिए जंगली जानवर को, डेंजरस जानवर को डराते थे, डरा कर अपने से डरा कर दूर रखते थे, है ना। कुक मीट जो है सो मीट को बनाने में जो है ना, मांस को पकाने में इसका इस्तेमाल करने लगे आग का। प्रोवाइड लाइट एट नाइट, रात में उन्होंने आग के जरिए वह रात में रोशनी प्राप्त करते थे। एंड कीप देम वार्म इन विंटर, और जब ठंडी का मौसम होता था तो वह आग को जलाकर और गर्मी पैदा करते थे। तो ये था आपको पैलियोलिथिक एज के बारे में, है ना। अब दूसरा है मेथोलिथिक एज, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।